सोनी सुपर कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ गेहूं के आटे की एकदम नई और अनोखी रेसिपी। इतना चटपटा और कुरकुरा बनेगा घर के सामान से बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। बहुत ही ज़्यादा चटपटा और कुरकुरा नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। साथ ही हमने छोटे साइज के 3 आलू उबाल के छील के लिए। आलू को हम ग्रेट करेंगे ताकि कोई गुठली ना रहे, अच्छे से मैश हो जाएगा। आप हाथ से भी मैश करके ले सकते हो, कद्दूकस करोगे तो कोई गुठली नहीं रहेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। हमने एक छोटे साइज का प्याज लिया है, ब्रीक कट करके डालेंगे। आपको पसंद हो तो डालें वरना ऐसे भी बना सकते हैं। एक छोटी चम्मच से हम धनिया पाउडर डालेंगे, चम्मच का चौथाई हिस्सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि बढ़िया कलर आए। आधी छोटी चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे ताकि हमारा नाश्ता अच्छा चटपटा बने। थोड़ा सा हम हींग डालेंगे ताकि हमारे नाश्ते में अच्छा फ्लेवर आए। आधी छोटी चम्मच हम साबुत जीरा दरदरा करके डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हम नमक की डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालें। 2 हरी मिर्ची ग्रीक कट करके डालेंगे, ध्यान रहे हमने लाल मिर्ची भी डाली है। अच्छे से मिलाएंगे, कोई आटा कोई मैदा कोई कॉर्नफ्लोर कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही अपनी आलू की फीलिंग को बनाएंगे। आपको तड़का भी नहीं लगाना पड़ेगा, अपनी आलू की फीलिंग अलग से कुक भी नहीं करनी पड़ेगी। जब हम अपना नाश्ता बनाएंगे तो साथ साथ कुक हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगा। साथ ही हम अपना गेहूं का आटा लेंगे गूंदा हुआ, अलग से आटा गूंदना भी नहीं पड़ेगा। आपके घर पे रोटी बनाते हैं तो आटा बच जाता है, उसी आटे से अपनी रेसिपी बना सकते हैं, इतनी आसान है बनानी। हमने पहले से अपने आटे में नमक नहीं डाला था, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे ताकि हमारा आटा अच्छा चिकना हो जाए, नमक अच्छे से मिल जाए। आप तुरंत आटा गूंदें तो अपने आटे में ही अच्छे से मिला के गूंदें अपने नमक को ऑयल को। हमारा आटा पहले से ही गूंदा हुआ था, फीका था, इसलिए हमने नमक डाल के दोबारा मिला लिया। आटे को हम अपने अच्छे से मिला के तैयार करके साथ ही एक बोल लेके हम अरारोट डालेंगे 2 चम्मच। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे ताकि कोटिंग फीकी ना लगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते घोल बनाएंगे। आपके पास अरारोट नहीं है तो आप मैदा ले सकते हैं। अच्छे से मिलाएंगे ताकि कोई गुठली ना रहे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इतना थिक सा बैटर बनाएंगे ताकि हमारे नाश्ते पे अच्छे से कोट हो जाए। 4 से 5 चम्मच हमारे पानी के लगे हैं। सभी तैयारी करके अपनी बनाना शुरू करते हैं। हम आटे से ऐसे 2 पेड़े बनाएंगे, ऐसे हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे ताकि बेलने में आसानी रहे। बड़ी सी रोटी बेल के तैयार करेंगे। ऐसे हम अपनी बड़ी सी रोटी बेल के, ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे, नहीं ज़्यादा पतली करेंगे, ऐसे हम कटोरी से कट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और शानदार अपना नाश्ता बनेगा। ऐसे हम किनारे हटाएंगे, दोबारा से बेल के तैयार करेंगे। ऐसे हम अपनी आलू की फीलिंग लगाएंगे, 1 चम्मच भर के लगाएंगे। ऐसे अपनी पैटी को अच्छे से पैक करेंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और कुरकुरी बनेगी, देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार। आप किसी भी सेब में बना सकते अपने नाश्ते को, इस तरीके से बना के हम तैयार करेंगे। आप इसमें मनपसंद फीलिंग भर सकते हैं, आप पनीर भी डाल सकते हैं। जब ये चटपटा सा नाश्ता एक बार बनाओगे तो आपको समोसा पकौड़ा भी फीका लगेगा। 1 कप गेहूं का आटा, 2 आलू से आप काफी सारा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। अरारोट हमने घोल के रखा था, ऐसे चम्मच के साथ ही हिलाएंगे। अपनी पैटी उठा के अपने घोल में अच्छे से डिप करेंगे ताकि हमारा नाश्ता अच्छा क्रिस्पी बने। फ्राई पैन में हमने ऑयल को डाल के अच्छे से गर्म कर लिया, मीडियम आंच कर देंगे। साथ साथ अपनी पैटी को कोट करते रहें, साथ साथ डालते रहें। ऐसे कोट करके बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और क्रिस्पी बनेंगे। डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। मीडियम आंच करके हम अच्छे से क्रिस्पी करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए, एक साइड बढ़िया कलर आ जाए तो हम दूसरी साइड पलटेंगे। मीडियम आंच करके ऐसे उल्टते पलटते हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे, बढ़िया कलर आ जाए तो निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितने शानदार बने हैं। 1 जलनी में निकालेंगे ताकि सारा ऑयल निकल जाए। एक खास बात और है इस नाश्ते की, आप हाफ फ्राई करके निकाल सकते हो। जब आपको खाना हो तो फुल फ्राई करें, अच्छे क्रिस्पी करके चाय के साथ इंजॉय करें, बहुत पसंद आएंगे। ऐसे हम 1 प्लेट में निकालेंगे। दोबारा हम अपने नाश्ते को बिना कोटिंग से फ्राई करेंगे। ऐसे भी अपने नाश्ते को फ्राई कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है।
सभी नाश्ता हम इतना इस तरीके से बना के तैयार कर लिया। आप देख सकते हो हमारा कोटिंग वाला भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बिना कोटिंग से भी गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता बन के तैयार है। बहुत ही अमेजिंग बना है, आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है। आवाज़ सुन सकते हो, दोनों ही नाश्ते हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, आपको कट करके दिखाएंगे। बहुत ही ज़्यादा शानदार और अमेजिंग बना है, आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी है। लेयर भी हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो गई, फिलिंग भी हमारी अच्छे से पक गई, बिल्कुल भी कच्चे नहीं बनेंगे। ऐसे इस तरीके से बना के एक बार ट्राई जरूर करें, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, इतने अमेजिंग और ज़बरदस्त बनेंगे। आप एक बार बना के खाओगे तो बार बार खाना पसंद करोगे, इतने पसंद आएंगे पूरे परिवार को, आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी शानदार और चटपटी रेसिपी लेके आते रहेंगे।